एम्बापे, क्या भाई वर्ल्ड कप में एम्बापे आते साथ ही एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है इनका। पिछले वर्ल्ड कप में भी एकदम बहुत बढ़िया खेले थे, इस वर्ल्ड कप में भी अभी तक का बहुत अच्छा जा रहा है। मैच 7 गोल अभी तक स्कोर कर चुके हैं, साथ ही 8 गोल स्कोर कर चुके हैं और शायद तक पेले की बराबरी भी कर चुके हैं। फ्रांस कल बहुत अच्छा खेली, डेनमार्क का और फ्रांस का गेम मुझे बहुत इंप्रेस किया। आते हैं अर्जेंटीना और मेक्सिको वाले मैच में, थोड़ी देर में वेट करो उसके लिए, उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। ऑन पेपर भले उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है फ्रांस, पर फिर भी उनका गेम देख के ऐसा लग रहा है कि भाई वो खेल का कर्ज जरूर तोड़ेगी और अच्छा खेल भी रही है, तो सेमीफाइनल्स तक तो मैं सोच रहा हूँ कि सेमीफाइनल से क्वार्टर तो क्वालिफाई कर ही जाएगी। आगे देखते हैं, फ्रांस के और भी मैचेस होने वाले हैं, ग्रुप तो कन्फर्म हो गया, क्वालिफाई कर रही है। तारीफ करनी पड़ेगी उनकी, मिडफील्ड भी अच्छी खेल रही है, एंगोलो कांटे और पोग्बा नहीं खेल रहे फिर भी वो अच्छा मैच को निकाल ले रहे हैं। फिर भी अभी भी 2 ही मैच हुआ है, पर डेनमार्क बहुत अच्छी टीम थी, डेनमार्क ने भी अच्छा गेम दिखाया, पर अब डेनमार्क के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। नेक्स्ट मैच उनको जीतना ही पड़ेगा वरना ऑस्ट्रेलिया शायद क्वालिफाई कर जाएगी, ऑस्ट्रेलिया भी क्योंकि लास्ट मैच जीत के आई रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मेन मैच, अर्जेंटीना वर्सेज मेक्सिको। क्या गेम था, ऐसा नहीं बोलूंगा, वो गेम लिटरली शिट था। 60 मिनट तक बहुत खराब खेली अर्जेंटीना, ऐसा नहीं लग रहा था कि अर्जेंटीना आज जीतने के मूड में खेल रही है, पर 60 मिनट तक लिटरली मैं बता रहा हूँ अर्जेंटीना, मुझे ऐसा लगा कि आज अर्जेंटीना जाने वाली है। मैं 12:30 बजे तक जो जग रहा हूँ, मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था, पर जब भाई मेसी का गोल आता है ना भाई, मैं एक रोनाल्डो फैन हूँ पर फिर भी मैं वो गोल को बहुत इंजॉय किया था, लिटरली बता रहा हूँ। उस टाइम फिर अर्जेंटीना डिजर्व करती थी भाई एक जीत तो डिजर्व करती थी, भले वो कैसा भी खेला हो कल का मैच। मेक्सिको भी काफी अच्छी टीम है, अच्छा गेम खेल रही है, पर थोड़ा बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को तो नहीं बोलना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस या मतलब प्लेयर उस कैपेबल के नहीं है। पर अर्जेंटीना भले अपना बेस्ट गेम नहीं दिखा पा रही हो, पर कल का मैच जीती मैं बहुत खुश हूँ एज अ फुटबॉल फैन, मुझे बहुत बेहतरीन लगा। अब ग्रुप में बहुत हलचल हो गया क्योंकि पोलैंड भी अपना मैच जीत के आ रही है, जीत गई है, अर्जेंटीना भी जीत गई है, सऊदी अरब भी जीत चुकी है। अब ये तीनों का मैच तीनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सऊदी अरब, पोलैंड और अर्जेंटीना, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब जो भी मैच जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा, सीधी सी बात ये हो गई है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अभी ये सब मैचेस को लेके। ठीक है, बाकी वे राउंड ऑफ 16 में कौन कौन पहुँचता है वो देखते हैं बाद में। आप कौन सी टीम को ग्रुप सी से क्वालिफाई होना देखना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड मेरे हिसाब से अर्जेंटीना क्वालिफाई कर जाएगी और सऊदी अरब, सो होप फॉर द बेस्ट, सो एंजॉय द वर्ल्ड कप।